है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ग्रुप फाइव वैकेंसी जो आया है उसमें से जो है सवाल हमारे पास आया है वो सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इसमें सवाल पूछा गया है कि सर मेरे पास बी और ओ टी टेक्नीशियन कोर्स कंप्लीट है दोनों तो क्या मैं दोनों में फॉर्म डाल सकता हूँ प्लीज मुझे बताएं तो इसके लिए जो है स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं लेकिन अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगर कोई लैब अटेंडेंट के पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहता है तो उसमें भी वो फॉर्म भर सकता है किसी के पास अगर बी है वो चाहता है प्रयोगशाला तकनीशियन में फॉर्म भरना चाहता है तो उसमें भी वो फॉर्म भर सकता है अगर किसी के पास रेडियोग्राफर का सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है डिग्री है तो उसमें भी वो फॉर्म भर सकता है तो ये अलग अलग, अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और अलग अलग पेमेंट आपको करना पड़ेगा जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं स्पष्ट आपको निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको जो है, है फॉर्म सारे पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सारे चीज़ों के लिए एग्ज़ाम भी आपको अलग अलग फाइट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना है ऐसा भी नहीं है जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अग, अगर वहाँ पर आप किसी एक पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं तो उसमें आपका लक है और आप वहाँ पर सेलेक्टेड हो जाएंगे तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं आपके पास अगर क्वालिफिकेशन uh, है शैक्षणिक योग्यता है अलग अलग पोस्ट के लिए तो पृथक पृथक या अलग अलग जो है आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ध्यान से जब नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को आप पढ़िएगा तो निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा